तो आज हम बनाने जा रहे वरबा परवल। तो आइए इसके रेसिपी शुरू करते हैं। हमने आज भरवा परवल के लिए परवल छील लिया, अच्छा से साफ कर लिया। अब ऐसे ये काट लेंगे ऊपर की साइड, इसके अंदर के ऐसे घुमा के निकाल लेंगे। परवल के अंदर का जो बीज है ये सब निकालना पड़ेगा, तभी स्टफिंग भर पाएंगे। तो धीरे से चम्मच के पीछे के साइड के हिस्सा से धीरे धीरे निकाल दीजिए, ताकि परवल फट ना जाए। ऐसे ये पूरा निकाल चुका है, ये हो चुका है। अब बाकी सारे भी ऐसे ही निकाल लेंगे। परवल के अंदर डालने के लिए मसाला पहले तैयार कर लेते हैं। एक टीस्पून जितना तेल डाल रहे हैं, थोड़ी सी साबुत जीरा डाल रहे हैं, ये परवल का जो बीज हमने निकाल के रखे थे ये डाल रहे हैं, एक मिनट इसको ऐसे चला लेते हैं, थोड़ा भून जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मसाला डाल देते हैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, अच्छी तरह से मिला दिए। अब ये दो चम्मच जितना पनीर, ये भी थोड़ी देर भूंज लेते हैं एक मिनट चलाते हुए। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अभी मसाला तैयार हो चुका है, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और ये एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए मसाला हमारे कितना अच्छा कलर आया, कितना सुंदर दिख रहा है। अब ये मसाला परवल के अंदर धीरे धीरे डालेंगे, ऐसे पूरा भर देंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप बना के ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर ये जो मैंने काट के रखी थी ये ऐसे लगा देंगे और ऊपर से टूथपिक से बंद कर देंगे। इस दूसरा भी ऐसे ही करके डाल लेंगे। ये देखिए पूरा भर दिया अच्छी तरह से, जितना भरा जा सकता था। अब ये ढक्कन लगा देते हैं, जो पहले काट के हमने अलग करके रखे थे, और फिर टूथपिक के सहारा से सहायता से ऐसे बंद कर देंगे, ताकि फ्राई करते टाइम मसाला बाहर ना निकल जाए। ये देखिए हमने सारे परवल में मसाला डाल दिए और मैंने एक एक और टूथपिक लगा दिया, ताकि फ्राई करते टाइम खुल ना जाए। ये अच्छी तरह से पैक हो गया, आप ये फ्राई करते हैं, लेकिन हमने फ्राई नहीं करेंगे, सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगेगा, आप ज़रूर बना के देखिए। चलिए अब फ्राई करते हैं, डाल देते हैं, क्योंकि सेलो फ्राई करेंगे इसलिए ज़्यादा तेल का ज़रूरत नहीं है। तेल गरम हो चुका है, वो तो परवल डाल देते हैं। और ऊपर से थोड़ी सी नमक डाल देंगे, क्योंकि परवल में हमने नमक नहीं डाले, मसाला में डाले थे, तो
इसको थोड़ी सी अभी नमक छिटक देंगे तो अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा, पक भी जाएगा और स्वाद बढ़िया आएगा। बिल्कुल थोड़ी सी दे रही हूँ ताकि परवल के ऊपर के हिस्सा भी अच्छा सा चटपटा हो जाए और स्लो फ्लेम में गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। देखिए हमारे भरवा परवल तैयार हो गया बनके, आप भी बना के देखिए, आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगा चटपटा भरवा परवल। और मेरे रेसिपी अगर आपको अच्छा लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।